हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अमरजीत कुमार, मृत्युंजय बिस्वाल, वेरी गुड इवनिंग। पीहू मिश्रा, वेरी गुड इवनिंग। तलत बारी, वेरी गुड इवनिंग। रोहित, गुड इवनिंग। अजीत सिन्हा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? हाउ यू ऑल डूइंग? कैसा हुआ टेस्ट? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आवर ऑल इंडिया फोर लेन टेस्ट सीरीज। इसका फोर्थ टेस्ट है ये, बायो पोर्शन। चलो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यस प्रतिभा, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज। ह्यूमन एवोल्यूशन में मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले था, रामापिथेकस, होमोसेपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। यस पीयू, अक्षय, प्रतिभा, रोहित, करेक्ट। मृत्युंजय, तलत बारी, अमरजीत, यस अजीत सिन्हा, करेक्ट। रामापिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस। तो अर्लीएस्ट मैन लाइक प्राइमेट वॉज, अर्लीएस्ट मैन लाइक प्राइमेट कौन था? वॉज इट ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, कौन सा था अर्लीएस्ट मैन लाइक प्राइमेट? सबसे पहला, यस करेक्ट रोहित, रामापिथेकस करेक्ट, ओम लक्ष्मी करेक्ट, अक्षय करेक्ट, यस रामा करेक्ट। रामापिथेकस वॉज द अर्लीएस्ट मैन लाइक प्राइमेट्स। होमो हैबिलिस, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी वॉज, ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी होमो हैबिलिस की? 650 to 800 cc करेक्ट, 650 to 800 cc। होमो इरेक्टस, इसके फॉसिल्स कहाँ से मिले थे? होमो इरेक्टस फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम, होमो इरेक्टस के फॉसिल्स कहाँ पे डिस्कवर किए गए थे? यस करेक्ट, जावा, जावा। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वॉज, होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? यस करेक्ट, करेक्ट अक्षय, 900। ओम लक्ष्मी, यस यस रोहित, करेक्ट, 900 cc। ये क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी 2, पेज नंबर 140-141। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर। वेरिएशंस जो प्रोड्यूस होते हैं म्यूटेशंस से ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन, ये कैसे हैं? रैंडम है, डायरेक्शनलेस है, रैंडम और डायरेक्शनल है, रैंडम और स्मॉल है, रैंडम स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। यस करेक्ट, करेक्ट, इट इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ये किसका कॉन्सेप्ट था? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसिएशन। स्पीसिएशन के लिए सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल। दिस वॉज कॉन्सेप्ट ऑफ, यस सॉल्टेशन इज द टर्म, यस डीवरीज करेक्ट, रोहित, पीहू करेक्ट, अक्षय करेक्ट, यस प्रतिभा करेक्ट, यस मृत्युंजय।
ह्यूगो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सेवन डेज, बैरियर फीमेल कॉन्डोम्स, बैरियर वॉल्ट्स, एआरटी, आईसीएसआई. यस राइट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे शुड बी यूज्ड विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स. और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या यूज किया जा सकता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और आईयूडीज, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी यूज. क्या होगा? यस करेक्ट तलत, अक्षय करेक्ट, रोहित करेक्ट, प्रतिभा करेक्ट, अमरजीत कुमार करेक्ट, मृत्युंजय बिस्वाल. यस राइट, तो दे बोथ कैन बी यूज, बोथ कैन बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे शुड बी यूज विद इन 72 आवर्स. और क्वेश्चन नंबर 103 वॉज फ्रॉम पेज नंबर 60, 61, 64, NCERT 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 104, मैच द फॉलोइंग, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, क्राइवन, ए बी. क्वेश्चन नंबर 104, लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरन्स, दिस इज बीटल्स, फ्लाइज, डिप्टेरन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, क्राइवन, ए बी फॉर कॉर्न बोरर. यस करेक्ट, यस 104 इज बी करेक्ट. सेकेंड, नाउ नेक्स्ट मैच, व्हाट इज द ब्लास्टोमियर्स, व्हाट आर ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स क्या है? न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड फ्लावर, ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल, ए टाइप ऑफ प्रोटीन्स. व्हाट आर ब्लास्टोमियर्स? यस राइट, दीज आर न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स. When zygote undergoes cleavage, early cleavage के बाद blastomeres बनते हैं, फिर इसके बाद मॉरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला. थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन, थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन विच स्टेज, इनमें से किस स्टेज में तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें से किस में तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी? यस अक्षय करेक्ट, प्रतिभा करेक्ट, करेक्ट. गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला विल हैव थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी आर द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कितने? हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्वॉल्व था, हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट, हैवी आइसोटोप वॉज यूज, मेसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट, वायरस इज यूज. 106, यस टू ऑप्शंस आर करेक्ट. हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32, S35, अगर सल्फर रेडियो एक्टिव यूज की गई थी तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर डिटेक्ट हुई? When sulfur radioactive sulfur was used, S35 was used, अगर S35 का इस्तेमाल किया गया था तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर डिटेक्ट हुई? बी में हैवी आइसोटोप दिया हुआ है, हैवी आइसोटोप नहीं था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, P32, S35, P32, रेडियो एक्टिव है ये. यस करेक्ट, प्रोटीन्स में होगी और प्रोटीन कहाँ रह जाएगा?
आउटसाइड द सेल, सुपरनेटेंट में, सुपरनेटेंट। और जब फास्फोरस यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, तब रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज वायरस का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये भी करेक्ट है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया गया था, इसलिए ये भी करेक्ट है। मिसेलसन एंड स्टाल में रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी आइसोटोप यूज किया गया था, अमोनियम क्लोराइड विद N15। 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल सपोर्ट प्रेगनेंसी, कॉर्टिसोल प्लेसेंटा से, ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा से, स्टेम सेल्स, टोटिपोटेंसी। यस राइट, कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से आएगा कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल विल बी रिलीज फ्रॉम, कॉर्टिसोल कहाँ से आएगा? यस एड्रीनल ग्लैंड, करेक्ट प्यू, एड्रीनल ग्लैंड से आएगा कॉर्टिसोल। और एड्रीनल ग्लैंड में भी तीन जोन्स हैं, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलेटा। ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलेरिस। तो कॉर्टिसोल क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है या सेक्स हार्मोन है? एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स रीजन से तीन हार्मोन्स, तीन जोन्स हैं। यस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग्स करेक्ट है? हीमोफीलिया, क्वीन विक्टोरिया पेडिग्री, फेनाइल कीटोनोरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, मोर अपीयर्स इन फीमेल, सिकल सेल एनीमिया, शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉन्वेक्स डिस्क। 108, यस थर्ड करेक्ट। 108 के दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्वीन विक्टोरिया पेडिग्री और फेनाइल कीटोनोरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। कलर ब्लाइंडनेस इज विच टाइप ऑफ, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये या ऑटोसोमल रिसेसिव है? विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न सिक्स कलर ब्लाइंडनेस शोज, कलर ब्लाइंडनेस में किस तरह का पैटर्न होगा, इनहेरिटेंस पैटर्न किस तरह का है? यस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, करेक्ट अक्षय। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसका मतलब मेल को सिर्फ एक क्रोमोसोम चाहिए अफेक्ट होने के लिए, फीमेल्स को दो, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा हुई, मेल्स में, तो मोर कॉमन इन मेल्स। और सिकल सेल एनीमिया में शेप कैसा होता है? सिकलिंग शो करता है, आरबीसी शो सिकलिंग, हसिया के आकार का होता है, सिकल शेप मतलब हसिया के आकार का, जो घास वगैरह काटने में यूज़ किया जाता है। प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स इज कॉल्ड, यस करेक्ट, कैटाबॉलिज्म, करेक्ट, दिस इज कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। और डेट्रिटस को अगर, इफ डेट्रिटस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, तब इसे क्या बोलेंगे? अगर स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? करेक्ट, फ्रेगमेंटेशन बाय डेट्रिवोर्स, डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज फ्रेगमेंटेशन। स्मॉल पार्टिकल्स में अगर ब्रेक हो रहा है तो दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट, ए गिवन स्पीसीज ऑलवेज ऑक्यूपाई ओनली वन ट्रॉफिक लेवल, ऑलवेज, ए गिवन स्पीसीज मे नॉट ऑक्यूपाई, करेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट।
एग्जाम्पल इज स्पैरो ईटिंग सीड एंड स्पैरो ईटिंग इंसेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 111, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच इसमें से कौन सा है? एल नीनो इफेक्ट, ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस, रेडियो एक्टिव लीकेज, थ्री माइल आइलैंड, बायोमैग्निफिकेशन, मैग्नीशियम मरकरी एंड DDT, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, अहमद खान. क्वेश्चन नंबर 111, यस राइट, इट इज रमेश चंद्र डागर. क्वेश्चन नंबर 112, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. RNA पॉलीमरेज 1, दिस इज फॉर राइबोसोमल RNA. RNA पॉलीमरेज 2 फॉर HNRNA हेट, और RNA पॉलीमरेज 3 इज फॉर tRNA, SNRNA एंड 5SRNA. A सेकेंड राइबोसोमल RNA, B इज RNA पॉलीमरेज 2, HNRNA, RNA पॉलीमरेज 3, दिस इज फॉर ऑल द 3, tRNA, 5S राइबोसोमल RNA, 1, 3 एंड 4, सेकेंड ऑप्शन. HNRNA गिव राइज टू heterogeneous nuclear RNA will give rise to, HNRNA will give rise to, HNRNA से क्या produce होगा? Yes, correct Rohit. This changes, after processing this changes into mRNA. Question number 113, the chemical nature of severo aqua enzyme is, इसका केमिकल नेचर क्या था? दिस इज केमिकली, यस कैपिंग एंड टेलिंग इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग, करेक्ट. यस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, सेल फ्री सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर. इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? एजोला, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉप. यस करेक्ट, एग्रोबैक्टीरियम. दिस कॉजेज विच डिजीज? एग्रोबैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज? बायो फर्टिलाइजर्स वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएंगे सॉइल की. यस डिजीज कौन सी होगी इससे? यस क्राउन गॉल, करेक्ट, क्राउन गॉल डिजीज. क्वेश्चन नंबर 115, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग इंक्लूड सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑल ऑफ दीज. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, करेक्ट, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? स्टमेन, जर्म पोर, पार्थेनियम, लोक्यूल. लोक्यूल इज प्रेजेंट इन ओवरी, पार्थेनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन एलर्जी, जर्म पोर इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन एंड स्टेमेन इज स्पोरोजिनस टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 116, यस इट इज थर्ड, ए इज थर्ड, बी इज सेकेंड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट. लोक्यूल्स इन लिलिएसी, इन फैमिली लिलिएसी. ओवरी इज हैविंग हाउ मेनी लोक्यूल्स? ओवरी में कितने लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं? लिलिएसी में ओवरी में कितने लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं? यस अमरजीत कुमार आंसर सही है आपका, पिंकी यादव सही है, तलत बारी करेक्ट, राजीव कुमार करेक्ट, यस ट्राइलोकुलर करेक्ट, प्रतिभा तलत बारी करेक्ट, पीयू करेक्ट, यस पूजा चौहान करेक्ट, राजीव कुमार, यस मोहम्मद अकील करेक्ट. ट्राइलोकुलर, तीन लोक्यूल्स प्रेजेंट है, थ्री लोक्यूल्स आर प्रेजेंट. ट्राइलोकुलर होगा, ट्राई कार्पेलरी है, सिंक कार्पस है, ओवरी सुपीरियर है.
क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है, क्लाइटोरिस फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्रोसोम स्पर्म, लेबिया माइनोरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिम्ब्री मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यस करेक्ट, दिस इज एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन फंडिबुलम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको फिम्ब्री बोलते हैं। और फिम्ब्री और कहाँ पे प्रेजेंट है, फिम्ब्री इज प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिम्ब्री और कहाँ पर प्रेजेंट है, फिम्ब्री। यस प्रतिभा करेक्ट, अक्षय करेक्ट, यस पीयू मिश्रा करेक्ट, यस अटैचमेंट, दिस इज फॉर अटैचमेंट, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, दिस इज फॉर अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यूनिवर्स 20 ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड, अर्थ 4.5 बिलियन ओल्ड, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 118 इज बी, यस करेक्ट, यूनिवर्स इज ओनली 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, नॉट ट्रिलियंस, करेक्ट सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, हिस्टोन ऑक्टामर इज ऑफ 200 बेस पेयर्स, टिपिकल मैमेलियन सेल हैज 2.2 मीटर्स डीएनए, न्यूक्लियोइड इज न्यूक्लियस, हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स। यस करेक्ट, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इज द रीजन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में होगा ये, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड जो होगा ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा, रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट, और न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड, डीएनए का चार्ज कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैसा चार्ज होगा डीएनए का, यस करेक्ट निगेटिवली चार्ज, दिस इज निगेटिवली चार्ज, और निगेटिव चार्ज इज ड्यू टू, निगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, दिस निगेटिव चार्ज इज ड्यू टू, निगेटिव चार्ज किस वजह से होगा, निगेटिव चार्ज इज ड्यू टू, यस फॉस्फेट ग्रुप, करेक्ट करेक्ट प्रतिभा, यस फॉस्फेट ग्रुप करेक्ट, फॉस्फोरिक एसिड जो प्रेजेंट है उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, कोलोस्ट्रम वैक्सीनेशन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, एंटीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 120, कोलोस्ट्रम दिस प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी है, आईजीजी या आईजीए, कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ग्राफ्ट रिजेक्शन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यस राइट, IgA, IgA, प्लेसेंटा से IgG, एंड IgG क्रॉसेस द प्लेसेंटा ड्यू टू, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, क्यों, वाई ओनली IgG इज एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा, सिर्फ IgG क्यों क्रॉस कर पाता है प्लेसेंटा को, वाई,
ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, यस करेक्ट विशाल चौधरी, यस ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. क्वेश्चन नंबर 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच. इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? रेगुलेटर टाइगर, कन्फॉर्मर, मस्टर्ड, माइग्रेशन, बियर्स, कैंप पाथवे, एडाप्टेशन, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. दिस इज क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, एसिड मेटाबॉलिज्म, कैंप पाथवे. यस थर्ड करेक्ट. बियर्स दे एस्केप इन टाइम थ्रू हाइबरनेशन, थ्रू हाइबरनेशन, माइग्रेशन नहीं. कैंप पाथवे, कैंप पाथवे में दो तरह की साइकिल C3 और C4. C4 विल टेक प्लेस इन डे, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम. ड्यूरिंग डे टाइम में C4 होगा या C3 होगा? यस रोहित करेक्ट, यस कामनी, यस मोहम्मद अकेल, यस अमरजीत, अक्षय. नाइट टाइम C4 जो होगा ये नाइट टाइम में होगा. नाइट टाइम में C4 साइकिल, डे टाइम ड्यूरिंग डे टाइम इट इज C3 साइकिल, डे टाइम में C3 साइकिल. जब स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे C3 साइकिल विल टेक प्लेस. क्वेश्चन नंबर 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा, द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स इनटू एम्ब्रियो. रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा. क्वेश्चन नंबर 122, यस राइट. प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा. प्रोलैक्टिन कहां से आएगा? रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी एंड प्लेसेंटा बोथ, द इनर सेल मास, दिस इज नोन एज फ्यूचर एम्ब्रियो. तो ये भी करेक्ट है. प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, प्रोलैक्टिन कहां से आएगा? यस अक्षय करेक्ट, दिस इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी. तो आंसर होगा सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 123, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स इज गवर्न्ड बाय अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन. ए नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, नॉर्मल वुमन बट हिज फादर वॉज कलर ब्लाइंड. तो फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब ये अफेक्टेड जीन इसने किसको दिया होगा? डॉटर को. डॉटर को एक्स जो होगा फादर से ही आएगा, और ये नॉर्मल है इसका मतलब ये कैरियर हुई. मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मैन से शादी हुई. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर डॉटर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर ब्लाइंड. अब इसमें पूछा गया कितना प्रोपोर्शन जो होगा डॉटर्स का कलर ब्लाइंड है. तो एक्स सी विल बी कलर ब्लाइंड, XCY सन होगा, XXC विल बी कैरियर, और XY विल बी नॉर्मल सन. ऑफ देयर डॉटर्स, डॉटर्स में पूछा गया कितना कलर ब्लाइंड है. यस करेक्ट 50%. तो 50% ऑफ द डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड. ये कलर ब्लाइंड है, ये कैरियर या नॉर्मल. क्वेश्चन नंबर 124, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स. दीज जीन्स आर HbA11, HbA12, HbA1 एंड HbA3, HbB1 एंड HbB2, HbA1 एंड HbA2. प्रतिभा तलत बारी सी नहीं है. यस पीहू करेक्ट, अक्षय करेक्ट, यस अक्षय.
HbA1 एंड HbA2, और इनके जीन कहाँ पर है? क्रोमोसोम नंबर इज 16. अक्षय ने सही बताया, क्रोमोसोम नंबर 16, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16. बीटा थैलेसीमिया का जीन कहाँ पर होगा? बीटा थैलेसीमिया जीन इज ऑन विच क्रोमोसोम नंबर? किस क्रोमोसोम नंबर पर बीटा थैलेसीमिया का जीन है? किस क्रोमोसोम नंबर पर बीटा थैलेसीमिया का जीन है? यस रोहित करेक्ट, अक्षय करेक्ट, प्रतिभा करेक्ट, यस मृत्युंजय, पीहू, मोहम्मद आकिल करेक्ट, क्रोमोसोम नंबर 11. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ई कोलाई द डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ 250,000 बेस पेयर्स बाय विद इन व्हाट टाइम? बेस पेयर्स विद इन व्हाट टाइम? तो स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है? पर सेकंड स्पीड कितनी है? यस करेक्ट अक्षय, 2000 बेस पेयर पर सेकंड, 2000 बेस पेयर एक सेकंड में. तो इसलिए 250,000 कितने में? 2000, ये आएगा 125 सेकंड्स. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 126, विच टाइप ऑफ ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन? हार्मफुल रिसेसिव जीन को सेलेक्ट करके एलिमिनेट करने का पॉसिबिलिटी किसके थ्रू होगा? आउट क्रॉसिंग के थ्रू, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, या इन ब्रीडिंग के थ्रू? यस करेक्ट, इन ब्रीडिंग. क्योंकि इन ब्रीडिंग क्या इंक्रीज करेगी, होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी? इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी. विच विल बी इंक्रीज्ड बाय इन ब्रीडिंग? इनमें से कौन सा इंक्रीज होगा इन ब्रीडिंग की वजह से? अरे इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. इन ब्रीडिंग होगी मतलब सेम एलील्स के ऑफस्प्रिंग में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्लोज रिलेटिव्स उनके बीच में. इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी, दिस विल इंक्रीज होमोजाइगोसिटी. इसी की वजह से तो सेलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा हार्मफुल रिसेसिव जीन का. क्वेश्चन नंबर 127, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड. बायो रिसोर्सेज को अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी बिना वहाँ की पब्लिक के अनुमति के या उस कंट्री के अथॉरिटीज़ की अनुमति के यूज़ करती, तो इसे क्या बोलते हैं? यस बायो पायरेसी, जैव चोरी. करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 128, कंपेयरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम कंपेयर करें ए सेक्शुअल से, फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन. फॉर्मर का मतलब हो गया ए सेक्शुअल, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन गलत हो गया. लेटर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस and formulation of same combination of genetic setup which are always beneficial. Always nahi hai, and same combination, unique combination hona chahiye tha. Sexual reproduction preserves genetic information. Sexual nahi, asexual reproduction hona chahiye tha. Asexual reproduction preserves genetic information. यस सब गलत है. करेक्ट रोहित, यस ऑल आर इनकरेक्ट. यस डी. क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन जेनिटल वार्ट्स एंड जेनिटल हर्पीज? जेनिटल वार्ट्स और हर्पीज में क्या सिमिलैरिटी है? बोथ आर क्यूरेबल, गलत हो गया. जेनिटल वार्ट्स इज क्योरेबल बट जेनिटल हर्पीज इज इनक्योरेबल. बोथ आर आर डी आईज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन.
एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोथ आर नॉन क्योरेबल डिजीज, ये भी गलत हो गया। एक क्योरेबल है एक नॉन क्योरेबल है, दिस वन इज नॉन क्योरेबल। जेनाइटल वार्ट्स इज कॉज ड्यू टू, जेनाइटल वार्ट्स कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? जेनाइटल वार्ट्स किस तरह की डिजीज है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? विच टाइप ऑफ डिजीज इज जेनाइटल वार्ट्स? यस करेक्ट रोहित, कामनी करेक्ट, यस अक्षय, मृत्युंजय बिस्वाल वेरी गुड, यस पीयू करेक्ट। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस इज कॉज्ड बाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो वायरल डिजीज हुई और यहाँ पर आंसर बी एंड सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 130, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो रेमेडिएशन, टिश्यू कल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग। यस बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किसका यूज हुआ था, बैक का या एक का, इनमें से कौन सा यूज हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, विच वन ऑफ द टू वॉज यूज? यस अक्षय करेक्ट, यस रोहित, यस अक्षय, यस पीहू, प्रतिभा, यस तलत बारी वेरी गुड, बोथ वर यूज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। द एडिनोवायरस कॉजेज डायरेक्टली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, हार्ट इन्फेक्शंस, कैंसर, किडनी इन्फेक्शन। एडिनोवायरस यस एडिनोवायरस करेक्ट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 132, द टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट इन PBR 322, PBR प्लाज्मिड, बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स एंड 322, इसमें टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी है? यस करेक्ट, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट। टेट बैम एच वन एंड सेल वन, बैम एच वन एंड सेल वन, ये किस रेजिस्टेंस जीन पर है? दीज रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट ऑन विच रेजिस्टेंस जीन? यस करेक्ट, मोहम्मद आकिल, प्रिंस चौधरी करेक्ट, मृत्युंजय विश्वल करेक्ट। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर PVV1 और PST1, प्रोविडेंशिया प्रोटियस वल्गैरिस और प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेक्शियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्वस, ये प्रेजेंट हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन चैस्मोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज ऑटोगेमी अकर्स, इन चैस्मोगेमस ऑलवेज जीटोनोगेमी, इन चैस्मोगेमस फ्लावर्स ऑटोगेमी नेवर अकर्स, ऑल ऑफ दीज। यस करेक्ट करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो चैस्मोगेमस फ्लावर्स जो ओपन होंगे, क्लीस्टोगेमस जो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो क्लीस्टोगेमस में ऑलवेज ऑटोगेमी अकर्स, बट इन क्लास चैस्मोगेमस जीटोनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों हो सकते हैं। ऑटोगेमी जब इसी के फ्लावर का पॉलन इसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो ऑटोगेमी, और अगर फ्लावर डिफरेंट हो बट प्लांट सेम हो तो जीटोनोगेमी, और अगर फ्लावर भी डिफरेंट हो प्लांट भी डिफरेंट हो तो जीनोगेमी। क्वेश्चन नंबर 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, तो यहां पर सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट, स्टरलाइजेशन,
pills, barrier, IUDs. Yes, sterilization. In males, sterilization is known as. In males, sterilization procedure is known as. Males में sterilization procedure को क्या बोलेंगे? Yes, Akshay, correct. इसीलिए यहां पर surgical किया है. Yes, vasectomy. Correct. Vas deferens is cut and ligated. Vasectomy. और इसमें incision कहां पर दिया जाएगा? Approach कहां से होगी? Incision कहां पर दिया जाएगा? In vasectomy, incision is given on. Yes, correct. Scrotum. Correct. Question number 135. Which one of the following is the incorrect statements? Kangaroo rat meets its water requirement by internal fat oxidation. All adaptations are genetically fixed. Opuntia is a desert plant. Some species have ability to regulate internal environment over a limited range of environmental conditions beyond which they are conformers. Yes, all adaptations are not genetically fixed. Correct. और इनके लिए, इस condition के लिए क्या use करोगे? Regulators, conformers, partial regulators. जो ये condition दी हुई है कि some species have ability to regulate internal environment over a limited range of environment. अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो ये conformers की तरह behave करते हैं. इसके लिए क्या यूज करेंगे? रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स. यस, करेक्ट, वेरी गुड. अक्षय, कामनी, मोहम्मद अकील, पीहू, तलत बारी. यस यस अक्षय, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 136. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेबल कम्युनिटी शुड शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. स्टेबल कम्युनिटी. यस, करेक्ट, करेक्ट. यस, तो इंक्रीज डाइवर्सिटी, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज डाइवर्सिटी विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी. इट शुड नॉट सो मच वेरिएशन. यस, ज्यादा, करेक्ट. इंक्रीज, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 137. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इन ह्यूमन आई, कॉर्निया में अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन. हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी कॉजेज स्नो ब्लाइंडनेस. अल्ट्रावायलेट बी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में अकर्स. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 137. यस, तो कॉर्निया में अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन. हाई डोजेस कॉजेज स्नो ब्लाइंडनेस. And snow blindness is due to किसकी वजह से हो जाता है snow blindness? Snow blindness is due to क्या होगा snow blindness में? Snow blindness ultraviolet B की वजह से. और इसमें होगा क्या, किस पार्ट का inflammation होगा? Which part will be inflamed? आई का कौन सा पार्ट इन्फ्लेमेशन होगा? यस अक्षय, करेक्ट. मृत्युंजय विश्वल, करेक्ट. कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन, कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन, इसी को बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस. कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन होगा, इसी को स्नो ब्लाइंडनेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से सही नहीं है? एपोमिक्सिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
It is a type of asexual reproduction. Yes, right. Yes. Question number 139. How many matchings are correct? Green revolution, crops, silver revolution, milk, white revolution, egg, blue revolution, insects. So silver revolution is associated with egg, white revolution with milk, and blue revolution fishes, pisciculture. So green revolution is crops. Only one is correct. Yes, right. Only one option is correct. Question number 140. Which one of the following represents the maximum global biodiversity? तो ये जो दिए हुए इसमें से मैक्सिमम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी किसकी है? मैक्सिमम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इज शोन बाय, यस राइट, एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स के बाद फिर एंजियोस्पर्म्स के बाद फंजाई. एंजियोस्पर्म्स करेक्ट, फंजाई करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 141. इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड. डबल स्टैंडर्ड डीएनए 17% ऑफ द बेसिस वर शोन टू बी साइटोसिन. द परसेंटेजेस ऑफ द अदर थ्री बेसिस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए आर. तो जितना साइटोसिन है उतना ही गुआनिन होगा. तो जी एन साइटोसिन ये हो गया 34%. गुआनिन एंड साइटोसिन 34%. तो 100 माइनस 34 इज 66%. एडेनिन एंड थाइमिन 66%, और एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन. तो इसलिए ये कितना हो गया 33% ईच. क्वेश्चन नंबर 141. यस, अकॉर्डिंग टू चरगाफ्स रूल A upon T is equal to 1. Is it true or false? According to Chargaff's rule, A upon T is equal to 1. Is it true or false? Yes, this is also true. Number of purines is equal to number of A plus G upon T plus C is equal to 1. Yes. Question number 142. The Chipko movement of Garhwal Himalayas was for protection of river, pond, ocean, trees. Chipko movement ek iske protection ke liye tha. Yes, this was for trees. Question number 143. The correct sequence of reproductive events in human female. तो सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन. तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज का होता है? एम्ब्रियो की किस स्टेज का इम्प्लांटेशन होता है? जाइगोट का, मोरूला का, ब्लास्टुला का या गैस्टुला का? इम्प्लांटेशन किस स्टेज का होगा? Yes, correct. Blastula. Question number 144. Embryological support for evolution was proposed by. Embryological support for evolution, this was proposed by. Yes, Ernst Haeckel. Question number 145. What is the meaning of saltation? Saltation is single step large mutation. Yes.
क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल? न्यूट्रिएंट साइकिल सेडिमेंट्री, फॉस्फोरस एंड सल्फर. और इनका रिजर्वायर कहाँ पर होगा? फॉस्फोरस एंड सल्फर रिजर्वायर इज प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री साइकिल्स का रिजर्वायर. यस, रॉक्स, अर्थ क्रस्ट, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 147, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर नॉट अपराइट. पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन ए ट्री इकोसिस्टम. पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट इन सी. पिरामिड ऑफ एनर्जी में भी इन्वर्टेड. करेक्ट स्टेटमेंट 147. यस, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन ए ट्री इकोसिस्टम. अगर हम लोग पैरासिटिक चेन को देखेंगे, ट्री, ट्री पे बर्ड्स, और बर्ड्स से ज़्यादा होंगे इन पे पैरासाइट, और पैरासाइट से ज़्यादा होंगे हाइपर पैरासाइट्स, माइक्रोब्स, हाइपर पैरासाइट्स. तो ये कैसा हुआ? ये इन्वर्टेड हुआ. और ट्री का इकोसिस्टम स्पिंडल शेप भी हो सकता है. इट में ऑल्सो बी स्पिंडल शेप. अगर ट्री देखें, ट्री पे बर्ड्स, और बर्ड्स पे जो फीड करती हैं लार्जर बर्ड्स, उनका नंबर कम होगा, तो वो शेप जो आएगा वो स्पिंडल शेप आएगा. तो पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन ए ट्री इकोसिस्टम, दिस इज करेक्ट, बट इट में ऑल्सो बी स्पिंडल शेप. क्वेश्चन नंबर 148, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग. इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर. क्रॉप वेस्ट कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैस. प्राइम कंटेमिनेंट ऑफ कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स. ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. यस, ट्रू स्टेटमेंट. यस, ऑल ऑफ द अबव. तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो वेस्ट प्रोसीजर, किसने, कौन प्रैक्टिस कर रहा है? विच फार्मर इज प्रैक्टिसिंग? फेमस फार्मर. यस, रमेश चंद्र डागर, करेक्ट, हरियाणा सोनीपत. द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स हु कैनॉट प्रोड्यूस एन ओवम, हु कैनॉट रिटेन द फीटस इनसाइड यूट्रस, हुज सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज फॉर द स्पर्म, हु कैनॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. यस, तो हु कैनॉट प्रोड्यूस, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, नॉट प्रोवाइड नहीं, दिस शी शुड बी एबल टू प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, और बाकी सर्वाइकल कैनाल वगैरह ये नॉर्मल होनी चाहिए, और शी शुड बी एबल टू रिटेन द फीटस. तो फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 150, फुल फॉर्म ऑफ ICSI, इंटरसाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रा सर्वाइकल स्पर्म इंजेक्शन. यस त्रिवेणी दास, व्हाट हैपेंड? यस करेक्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI. इसमें डायरेक्ट स्पर्म न्यूक्लियस इज इंजेक्टेड इन द फीमेल गैमेट. टोटल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं? टोटल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक आर, यस, फोर टाइप. एग सेल, दो सिनर्जिड्स, दो टाइप ये हो गए, तीसरा ये एंटीपोडल्स हो गया,
और चौथा ये सेंट्रल सेल, तो फोर टाइप्स। फिलीफॉर्म अप्रेटस ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फिलीफॉर्म अप्रेटस, फिलीफॉर्म अप्रेटस यस करेक्ट, सिनर्जेट करेक्ट, सिनर्जेट्स। लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, लार्जेस्ट सेल कौन सी है एम्ब्रियो सैक की? यस सेंट्रल सेल, करेक्ट सेंट्रल सेल। क्वेश्चन नंबर 152, असर्शन, एप्पल स्ट्रॉबेरी आर ए टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट, रीजन, इन एप्पल स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स थैलेमस डू नॉट कंट्रीब्यूट। यस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, 152 इज सेकंड करेक्ट। तो ये फॉल्स फ्रूट्स हैं, एप्पल स्ट्रॉबेरी, एप्पल थैलेमस विल पार्टिसिपेट, यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है, एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट, ओवरी से ना बन करके थैलेमस विल कॉन्ट्रीब्यूट। इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ सेवरल हारमोन्स इन मैटरनल ब्लड आर नेसेसरी, बाकी और हारमोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, सपोर्टिंग मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, ऑल ऑफ दीज करेक्ट राइट, इट इज डी, सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड सपोर्टिंग मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी वर्क बाय मेंडल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ येलो राउंड सीड, येलो राउंड दोनों डोमिनेंट हैं, 9:3:3:1 डोमिनेंट फॉर बोथ द ट्रेड्स, तो यहाँ पर 9, 16 में 9 तो 100 में परसेंटेज पूछा हुआ है, कितना आएगा? यस करेक्ट, परसेंटेज आंसर इज 56.25%। क्वेश्चन नंबर 155, इन ए क्रॉस इन एनिमल द हेट्रोजाइगस एनिमल विद ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स, ग्रे बॉडी के साथ क्या दिया हुआ है? लॉन्ग विंग्स दिए हुए हैं। वॉज क्रॉस्ड विद एन एनिमल विद ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स के साथ क्रॉस किया गया है। द प्रोजेनी ऑफ द एनिमल इज इन द फॉलोइंग रेशियो, तो ग्रे के साथ क्या आ गया? वेस्टिजियल 24 में, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। ग्रे के साथ लॉन्ग, ये नॉर्मल रहा, ब्लैक के साथ आ गया है लॉन्ग, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स थे, ये भी मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट। पैरेंट कैसा था? पैरेंट में ग्रे बॉडी के साथ था लॉन्ग विंग्स, बट रिकॉम्बिनेंट्स कौन हो गए? जिसमें ग्रे के साथ क्या आ गया? वेस्टिजियल विंग्स, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। और ब्लैक के साथ लॉन्ग, ब्लैक के साथ था क्या? वेस्टिजियल विंग था पैरेंटल जनरेशन में, बट ब्लैक के साथ क्या आ गया? लॉन्ग करेक्टर आ गया, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने थे? 36 + 24, और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? तो ये जो जितने दिए हुए हैं 24, 126, 114 एंड 126 इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है,
इंटू 100 जो 36 और 4 40 20 60 60 अपॉन 60 प्लस 240 प्लस 60 300 इंटू 100 20% 100 3 जो 300 320 20% यस करेक्ट 20% इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 156 द जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर पॉइंट म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड. पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. यस दिस इज सिकल सेल एनीमिया. दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. और पॉइंट म्यूटेशन के अलावा दिस इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इज इट ट्रू और फॉल्स? सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यस करेक्ट दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्योंकि CTC will change into CAC. तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ, एक सिंगल न्यूक्लियर बेस चेंज हो रहा है और T की जगह A आ गया सब्स्टिट्यूशन. मोनोसोमिक इनमें से कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, विच वन इज मोनोसोमिक? मोनोसोमिक कौन सा है इसमें से? यस टर्नर इज मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम. करेक्ट. इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड वाइल टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड. द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड. 5 प्राइम एंड मतलब अप स्ट्रीम पर होगा प्रोमोटर और 3 प्राइम एंड मतलब डाउन स्ट्रीम, ये होगा टर्मिनेटर. और ये रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्टैंड. बाय रूल कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग ये रेफरेंस लिया जाता है. दिस इज टेम्पलेट स्टैंड, अदर वन इज टेम्पलेट. 5' to 3', दिस इज कोडिंग स्टैंड. करेक्ट. पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 158 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सैलियंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ BDNA. इट इज मेड बाय वन न्यूक्लियोटाइड चेन. बैकबोन इज मेड बाय सुगर एंड फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट आउटसाइड. टू चेन्स हैव पैरेलल पोलैरिटी. 15 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न. तो इट इज मेड बाय टू न्यूक्लियोटाइड चेन ना कि वन, गलत है ये. बैकबोन इज मेड बाय सुगर एंड फॉस्फेट, ट्रू है बट. एंड बेसिस प्रोजेक्ट आउटसाइड, ये गलत दे दिया है. बेसिस जो होंगे वो इनसाइड होने चाहिए थे. DNA में किस तरह से ये सुगर फॉस्फेट की बैकबोन और बेसिस जो होते हैं वो अंदर की तरफ. A इज पेयरिंग विद T विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन. टू चेन्स हैव पैरेलल पोलैरिटी, ये भी गलत है. चेन्स की पोलैरिटी कैसी होगी? एंटी पैरेलल. एंड 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न. तो ऑल आर इनकरेक्ट. यस राइट. यस मनीष यादव करेक्ट, गोपाल चौधरी करेक्ट, अक्षय करेक्ट, प्रतिभा करेक्ट, पीहू करेक्ट. यस कामनी, अमरजीत, मोहम्मद आकिल. यस तलत पारी करेक्ट, अमरजीत. यस ऑल ऑफ यू करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 159 इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू. इनिबिटर और स्ट्रक्चरल जीन्स. रिप्रेसर mRNA, रिप्रेसर प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन विल बाइंड टू. यस करेक्ट.
तो यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर क्या है, ए इज प्रमोटर या ऑपरेटर, ए इज प्रमोटर या ऑपरेटर, ए क्या होगा, प्रमोटर है या ऑपरेटर है, व्हाट इज दिस ए, प्रमोटर और ऑपरेटर, यस करेक्ट कामनी करेक्ट, अक्षय अलावादी करेक्ट, प्रीति करेक्ट, तलत बारी करेक्ट, मृत्युंजय करेक्ट, रेगुलेटर देन प्रमोटर, यहाँ पर होगा प्रमोटर, फिर होगा ऑपरेटर, देन स्ट्रक्चरल जीन्स, तो ये जाकर के बाइंड करेगा इसके साथ, यस, तो दिस इज ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, और ये क्या है, ये प्रमोटर है. क्वेश्चन नंबर 160, इफ ए सैंपल ऑफ बी डी एन ए विद लेंथ 5.1 मीटर देन नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन दिस सैंपल, अगर बी डी एन ए के सैंपल में जिसकी लेंथ 5.1 मीटर है तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन दिस सैंपल, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, तो दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो 5.1 मीटर में कितना होगा नंबर ऑफ बेस पेयर्स, 5.1 अपॉन 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 10, यस सेकेंड करेक्ट, 3.4 एंगस्ट्रॉम करेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑर्गन इज इन्फेक्टेड बाय राइनो वायरस, ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है, नोज, जीआईटी, लंग्स, सीएनएस, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नोज. क्वेश्चन नंबर 162, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, यस म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 163, इको आर वन कर्स डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली व्हेन, इको आर वन डीएनए के बेसिस को कट करेगा बिटवीन जी एंड ए ओनली व्हेन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज प्रेजेंट, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, इको आर वन के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, यस करेक्ट, जी ए ए टी टी सी, और इको आर वन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, किस बॉन्ड को कट करेगा, विच बॉन्ड विल बी कट बाई इको आर वन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोइस्टर, विच बॉन्ड विल बी कट, यस करेक्ट अक्षय, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, करेक्ट, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज विल बी ब्रोकन. स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, और एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल. यस स्टर टैंक फॉर स्टेयरिंग, और पर्पज़ क्या है, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस. 164 इज थर्ड करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 165, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल, केमिकल, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, ये कैसा है, करेक्ट, दिस इज फिजिकल प्रोसेस, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस.
क्वेश्चन नंबर 166, चूज द ड्रग करेक्टली मैच्ड विद इट्स प्रोड्यूसर एंड फंक्शन. प्रोड्यूसर एंड फंक्शन. ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटोजोआ. तो ब्लड स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड एज. स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किस में होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज, यस आंसर सही है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट. यस क्लॉट बस्टर करेक्ट. और ईस्ट का नाम क्या है? नेम ऑफ द ईस्ट इज ईस्ट का नाम क्या होगा? नेम ऑफ द ईस्ट विल बी, यस मोनेस्कस परप्यूरियस. करेक्ट मोनेस्कस परप्यूरियस. Assertion: through tissue culture process, thousands of plants produced. Each of those these plants will be genetically identical. Tissue culture, correct, to the original plant from which they were grown. Reason: in tissue culture process, no meiosis, no fertilization takes place. So assertion and reason both are correct, and reason is correct explanation. Correct. Question number 168. In which of the following both pairs have correct combination? दोनों pair का correct combination है. In situ conservation, hot spot, biosphere reserves, national parks, sacred groves, wildlife sanctuary. 168. तो इसमें hot spot, biosphere reserves, ये सब national parks, these are examples of In situ conservation है ये. तो करेक्ट आंसर इज यस. क्वेश्चन नंबर 169. ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन ए फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स but even in extreme and harsh habitat. Which of the following are such type of habitat? Thermal spring, human intestine, torrential streams, stinking compost pits. Right. In sabhi jagah pe possible hai. क्वेश्चन नंबर 170. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज. फैक्टर्स अकर इन पेयर्स. द लॉज ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F1. तो होमोजाइगस लिए गए थे और F1 में क्या था? दो में से एक डोमिनेंट था, एक एक्सप्रेस हो रहा था, तो F1 था यहाँ पर, क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2. इसके बाद जब इनकी सेल्फिंग की जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये 3:1 फिनोटिपिक रेशियो. तो बोथ एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन, नॉट इन F1, और यहाँ पर F1. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा थर्ड. यस वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 171. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस डिजीज. इनमें से कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? मलेरिया, सिफिलिस, एडिसन डिजीज, काली खांसी. Yes, it is Addison's disease. It is hormonal. Addison's disease. Question number 172. Which one of the following are not example of single cell protein? Single cell protein ka example kaun sa nahi hai? Pulses, spirulina, methylophilus, none of these. Not pucha hua hai.
सिंगल सेल प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम यूनिसेलुलर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. तो स्पायरुलिना एंड मेथाइलोफिलस पल्सेस नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए. यस. क्वेश्चन नंबर 173, द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच एंटीबायोटिक्स. डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेलिकॉल. ई कोलाई, नॉर्मल ई कोलाई सेल्स, तो दे डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस. नॉर्मल ई कोलाई सेल्स दे डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन टी आई प्लाज्मिड. तो दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग. तो टी इज फॉर ट्यूमर, राइट. क्वेश्चन नंबर 175, ट्राइकोमोनियासिस इज नॉट ए एस टी आई, ए आर टी, वी डी, आर टी आई. राइट मृत्युंजय, पीहू करेक्ट. इट इज ए आर टी. ए आर टी इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है. ट्राइकोमोनियासिस इज ए प्रोटोजोअन डिजीज, एस टी डी, थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. क्वेश्चन नंबर 176, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, करेक्ट सीक्वेंस क्या है पैकेजिंग का डीएनए हेलिक्स का. डीएनए, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स. यस, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टोमर होगा. हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर इज मेड अप ऑफ एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री एंड एच फोर, या फिर एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री, एच फोर एंड एच वन. न्यूक्लियोसोम में क्या प्रेजेंट होगा, ए वाला या बी वाला. न्यूक्लियोसोम का कौन सा पार्ट है, ए और बी. विच हिस्टोन्स आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम. यस अक्षय, करेक्ट. यस राइट, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट ए. एच वन जो है ये लिंकर हिस्टोन है, लिंकर डीएनए का पार्ट है, न्यूक्लियोसोम का नहीं. तो डीएनए से न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड बनेगा, क्रोमोसोम्स. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 177, इनिशियली ई कोलाई ग्रो इन ए मीडियम कंटेनिंग NH4Cl हैवी आइसोटोप 15 एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस. तो इसका मतलब जो डीएनए होगा वो कैसा हो जाएगा, उसमें दोनों में N15 होगा, दोनों स्ट्रैंड्स में N15. अब इसको ग्रो किया गया है, देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू मीडियम विद नॉर्मल N14 वाला एमोनियम क्लोराइड एंड took samples at various definite time interval as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double helices. If E. coli was allowed to grow for 80 minutes, अगर 80 मिनट तक इसे ग्रो किया जाएगा, then what would be the proportion of light, heavy and hybrid. तो ये हो गया heavy. Heavy isotope use किया गया था, heavy. अब इसके 20 मिनट्स के बाद दो डीएनए बनेंगे, नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद चार डीएनए बनेंगे, और उसके बाद 60 मिनट्स के बाद 8, और 80 मिनट्स के बाद ये हो जाएंगे 16. टोटल 16 डीएनए विल बी प्रोड्यूस्ड. लेकिन ये हैवी जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हाइब्रिड डीएनए होंगे N15 और N14 वाले. N15 क्योंकि N14 मीडियम यूज़ किया गया है. जो दो डीएनए बने हैं ये हाइब्रिड हैं, N15 और N14 स्ट्रैंड होगा. अब इसके बाद जब चार बनेंगे तो ये हाइब्रिड हमेशा दो रहेंगे, हाइब्रिड हमेशा दो रहेगा,
N15 और N14, क्योंकि एक स्टैंड हमेशा रहेगा, तो N14, और दूसरा कैसा हो जाएगा, N14 और N14, तो ये हो जाएगा लाइट, जिसमें दोनों स्टैंड N14 है वो लाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट हाइब्रिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टोटल 16 बनेंगे, 16 में दो हमेशा हाइब्रिड रहेंगे, तो 16 माइनस दो, दो तो हाइब्रिड हो गए, 14 जो होंगे वो कैसे होंगे, वो लाइट होंगे। करेक्ट, सो करेक्ट आंसर ऑफ 177 इज 14, 0 एंड 2, क्योंकि पूछा हुआ है लाइट, हैवी और हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 178, UTR इज अनट्रांसलेटेड रीजन, DNA सीक्वेंस, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, कार्बोहाइड्रेट्स, RNA सीक्वेंस। यस करेक्ट अक्षय, यस पीयू करेक्ट, दिस इज RNA सीक्वेंस विच इज अनट्रांसलेटेड, और ये 5' एंड पे प्रेजेंट होगा या 3' एंड पर, इज इट प्रेजेंट ऑन 5' एंड ओनली और 3' एंड ओनली और बोथ। दिस इज प्रेजेंट ऑन 5' एंड ओनली, 3' एंड ओनली और बोथ। यस करेक्ट, दोनों ही एंड्स पे प्रेजेंट होगा, 5' एज वेल एज 3'। वॉट इज द करेक्ट अबाउट अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, माइनस 0, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। यस करेक्ट करेक्ट, 179 इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 180, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, निमोनिया इज अ डिजीज ऑफ स्टमक, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, टाइफॉइड ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, यस राइट, कोलोस्ट्रम दिस प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मिलेंगे, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है ये, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी करेक्ट फॉर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, इट वॉज फर्स्ट डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट फ्रॉम फंगस, मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया। तो ये फंगस नहीं था, ये क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेस्ट स्पेसिफिक जीन्स आर इंसर्टेड इन टू द होस्ट प्लांट बाई एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स विच प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा और ये फिर कट होगा डाइसर, स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द पेस्ट इज साइलेंस्ड बाई द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। करेक्ट पूछा गया है, यस सी इज करेक्ट, यस। तो यहां पर क्या है, मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया इज ए, किस एनिमल ग्रुप को बिलोंग करेगा ये, एनिमल ग्रुप कौन सा है, यस नेमेटोड्स करेक्ट, नेमेटोड्स, हेलमिंथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है, होमो इरेक्टस फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, नियंडरथल मैन प्रॉब्ली लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, डार्विन जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय एबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाज हाइलाइटेड इन बिस्टन बिटुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 182, तो ये डार्विन का जो फिटनेस था वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस था, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस वॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यस ओनली सी, थर्ड ओनली,
रेस्ट्रॉल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? प्लॉयडी ऑफ पेरिस्पर्म इज डिप्लॉयड, प्लॉयडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड न्यूसेलस आर डिप्लॉयड, प्लॉयडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड सिनर्जेड आर हैप्लॉयड। तो पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट न्यूसेलस, रेमनेंट्स ऑफ परसिस्टेंट न्यूसेलस, रेमनेंट्स ऑफ परसिस्टेंट न्यूसेलस। यस, तो प्लॉयडी इज इनकरेक्ट। प्लॉयडी ऑफ स्पर्म पेरिस्पर्म इज डिप्लॉयड, प्लॉयडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड न्यूसेलस आर डिप्लॉयड। गुआवा इज ए फ्लैशी फ्रूट, प्लॉयडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड सिनर्जेड आर हैप्लॉयड। तो पेरिस्पर्म का हैप्लॉयड नहीं है, सिनर्जेड इज हैप्लॉयड, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 184, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 185, नंबर ऑफ एनिमल्स इन गिवन सेट इन विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। काउज, रैट्स, मंकीज, डियर्स, डॉग, शीप, टाइगर, एप्स। नंबर ऑफ एनिमल्स इन गिवन सेट इन विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल टेक प्लेस इन ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेट्स, एंड प्राइमेट्स इंक्लूड्स एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस। तो मंकीज एंड एप्स, रेस्ट ऑल आर नॉन प्राइमेट्स। तो यहाँ पर हो गई स्ट्रेस साइकिल, यस राइट अमरजीत। क्वेश्चन नंबर 186, मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन किससे कम होगा? बैनियन ट्री से, बनाना ट्री से, रोज राइस। यस बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 187, द गिवन बिलो फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोलाई वेक्टर पीबीआर 322। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज इट्स सर्टेन कंपोनेंट्स। हिंट 3, इको आर 1, सेलेक्टिवल मार्कर, दो दीज आर रिस्ट्रिक्शन साइट्स। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, करेक्टली आइडेंटिफाइज। ओराई, ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओराई इज फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आर ओ पी, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, नॉक ए रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यस करेक्ट, इट इज सेकेंड, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स कौन से प्रोड्यूस करेगा? तो इको आर 5, और इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर इको आर 5 इज, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर इको आर 5 इज यस अक्षय करेक्ट। इको आर 5 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर इको आर 5 इट इज जी ए टी, जी ए टी ए टी सी 5' to 3', जी ए टी ए टी सी, जी ए टी ए टी सी 5' to 3'। तो ये ब्लंट एंड्स क्रिएट करेगा, यहाँ पर कट करेगा,
इको आर फाइव नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ऑल ऑफ दीज। तो रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिस इंक्लूड्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 190, द कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो गोल्डन राइस, बीटी ब्रेंजल, फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड कैनोला। गोल्डन राइस, यस ए इज द राइट आंसर, गोल्डन राइस। फ्लेवर सेवर टोमेटो विल इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज टर्म्ड एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, साइबरनेटिक्स, बायो रिमेडिएशन। यस करेक्ट, दिस इज बायो रिमेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 192, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन। यस करेक्ट, इट इज क्राइजीन, क्राइजीन। क्वेश्चन नंबर 193, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्ड वैक्सीन इज कॉल्ड, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन नेवर प्रिपेयर्ड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड, यस राइट। सेकेंड जनरेशन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 194, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, ए देन बी देन सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 194, ए इज अनदर एनिमल ग्रुप्स, अदर एनिमल ग्रुप्स, बी इज मोलस्क, सी इज क्रस्टेशियंस एंड आई डी इज इंसेक्ट्स। करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 195, मैच द फॉलोइंग, रेगुलेशन, कंफॉर्मिंग, माइग्रेशन, सस्पेंशन। फर्स्ट इज बी, रेगुलेशन, मेंटेन होमियोस्टेसिस, कन्फॉर्मिंग। सेकेंड, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस एज पर एनवायरमेंट, कन्फॉर्मर्स आर फॉलोअर्स, कन्फॉर्मर्स आर फॉलोअर्स, जैसा बाहर का एनवायरमेंट वैसा ही इनका। माइग्रेशन, माइग्रेशन इज टेम्प्रेरी मूवमेंट, सस्पेंशन, एस्केप अनफेवरेबल कंडीशन। यस इट इज थर्ड। 196, रिगार्डिंग गिवन फिगर्स विच वन इज ट्रू, 99% एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स दीज आर कन्फॉर्मर्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर रेगुलेटर्स एंड दिस इज ग्राफ इज फॉर पार्शियल रेगुलेटर्स। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 197, बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन ए बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटैलिटी बर्थ रेट वॉज 250, एवरेज मॉर्टेलिटी डेथ रेट वॉज 240, इमिग्रेशन 20 एंड ई माइग्रेशन 30। तो बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, बर्थ प्लस इमिग्रेशन विल लीड टू इंक्रीज एंड डेथ प्लस ई माइग्रेशन विल लीड टू डिक्रीज। तो बर्थ कितना दिया हुआ है, एवरेज नेटैलिटी 250, इमिग्रेशन दिया हुआ है 20 और डेथ दी हुई है 240, ई माइग्रेशन दिया हुआ है 30।
270 माइनस 270 नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज जीरो, एन टी प्लस वन, एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई. व्हाट इज ए की स्टोन स्पीसीज? की स्टोन स्पीसीज इज ए स्पीसीज विच मेक्स अप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी येट हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल. यस राइट. Which of the following statement are not correct with reference to given diagram? So this given diagram is of implant. It is a kind of barrier method. Galat hai. It is a kind of intrauterine device. Ye bhi galat hai. Implant hai ye. Is subcutaneously used kiya jayega. Only progesterone is used. Combination. So all of these. Correct. All. Now question number 200. What is the leghorn? Improved breed of marine fishes, improved breed of cow, improved breed of chickens. Yes, correct Pihu. It is improved breed of chickens. So thank you all of you. Thank you so much. Bye, take care. Akshay, welcome. Amarjeet, welcome. Talat Bari. Yes, Mrityunjay. Good night, Pihu. Take care. Kamni, welcome. Talat Bari, welcome. Jitendra Yadav, welcome. Welcome, Amarjeet. Thank you, Mohammad Umar. Jitendra, good night. Yes, Akshay, you too. Yes, Mrityunjay, you too, stay healthy and stay safe. Okay, Pratibha. Next time. Om Lakshmi, welcome. Mohammad Akil, welcome. Okay, Pratibha, bye, take care, good night. All of you, take care.